अच्छी बात ये रही ना कि सर जब पिटाई हो रही थी तो पिटा भी अच्छे से, लेकिन रिकवरी का हल्का सा साइन आया तो ये काफ़ी तेजी से रिकवर हो गया काउंटर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। और उसके पीछे एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट आई थी जिन्होंने आई थिंक 71 के आसपास के टारगेट्स दिए हैं। सर क्या करें आप स्विच लॉन में, फ्रेश एंट्री बनती है क्या? आई थिंक यस, फ्रेश एंट्री बनती थी, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो 4-5 दिन पहले जो 56-58 के आसपास ट्रेड कर रहा था उसी दिन में हमने इशू पे बात भी की थी। ट्रंप साहब जब अपना वेलकम स्पीच और विक्ट्री स्पीच दे रहे थे वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बनाए थे जहां पे जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए थोड़ा नेगेटिव था। तो ओवरऑल ग्लोबली ऑल रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स वर डाउन और इवन सुजलॉन वाज आल्सो डाउन। बट डाउन जाने का एक रीजन ये भी था कि ये जो 70 और 80 के बीच में ट्रेड कर रहा था वैल्यूएशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। सो ये कुछ रीजन लेके स्टॉक फिर से 56-58 तक आ चुका था। मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एटलीस्ट एक साल के ऊपर का व्यू किसी का रहता है तो मुझे लगता है 62-65 के रेंज में लेना चाहिए। छोटे से मोमेंटम, छोटे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकती है, नीचे में 58 और 60 के आसपास भी आ सकता है और ऊपर में इमीडिएट में देखता हूँ 72-75 तक भी जा सकता है फॉर ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स को एज ए इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए 6 महीने से 12 महीने के नो हॉरिजन के हिसाब से, एंड टारगेट कैन बी एनीवेयर अबव 80 रुपीज। जी इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे सुजलॉन के बारे में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सुजलॉन जैसा स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंसान को रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। जैसे प्रशांत जी ने भी कहा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंटली वो करते आ रहे हैं। तो ये एक डेफिनेटली मल्टी बैगर पिक, अगर आप 3 से 5 साल के होराइजन के हिसाब से देखते हैं तो मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा कि ये स्टॉक यहाँ से आपको ट्रिपल होता हुआ भी दिखे इन द नेक्स्ट 3 years, ऑफकोर्स विद ऑल डिस्क्लेमर्स इंटैक्ट। सर सो दैट मीन्स कि यू आर ट्रैकिंग वेरी क्लोजली सुजलॉन। तो सर मैं इस पर थोड़ा सा एक मिनट और ले देता हूँ आपका। सर मैं इसमें कुछ पढ़ रहा था कि सुजलॉन का जो अभी एग्जिस्टिंग प्लांट है उससे तो इनका काफ़ी कुछ जो डोमेस्टिक सप्लाई है जिस पर इन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया था वो तो ठीक है, लेकिन इनका एक जो प्लांट जो कि इन्होंने बनाया था आज से करीब 20 साल पहले वो शटडाउन चल रहा था, ये उसको भी रीस्टार्ट करने वाले हैं, ये इसके साथ एक ट्रिगर था। लेकिन रीस्टार्ट करने के साथ एक क्लॉज भी ये थी कि ये एक्सपोर्ट सोच रहे थे। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और रिन्यूएबल एनर्जीज पर वो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज को ही ऑर्डर देने के मूड में लग रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि ऑर्डर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको हिट लगेगा, या आपको लगता है कि सुजलॉन इतनी स्टेबल इतनी कैपेबल है कि वहां जाकर नए ऑर्डर्स ले पाएगी? देखिए 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो सुजलॉन के हमारे को ओवरऑल ये समझना पड़ेगा कि हमारी इंडिया की अभी डोमेस्टिक डिमांड कितनी है। जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस इस टाइम पे रिन्यूएबल सेक्टर पे एज अ होल आया हुआ है फॉर द नेक्स्ट 5 years, जिस तरीके से बजट एलोकेशन में आप इस साल भी 12% रफली इंक्रीज एक्स्ट्रा देखने को आपको दिखा है इस साल के बजट में कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इनफैक्ट हमारी डोमेस्टिक डिमांड को भी काफी ज्यादा केटर कर सकता है। सो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी चीज रहेगी। सेकेंडली मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक चीज और बताऊंगा कि भले ही उन्होंने इनिशियल साइंस ये डेफिनेटली दिए हैं, लेकिन मुझे पैरेलली एक चीज और भी लगती है कि जिस तरीके से वहां की कंपनीज को इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ला को इंडिया में स्टारलिंक का यहाँ पे घुसने की काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कोशिश कर रही है, प्लस एलोन मस्क की टेस्ला भी यहाँ पे इंडिया में घुसने की कोशिश कर रही है, और अगर उनको यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट दिखता है तो कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां पे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि यहाँ की कंपनीज के लिए भी वहां के लिए काफी अच्छी लॉबी होगी। स्पेशली अगर आप चाइना की बात करें, जिस तरीके से 40% टैरिफ्स वहां पे इंक्रीज होने वाले हैं, मुझे ऐसा पर्सनली ये चीज लगती है कि ये चीज इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इवेंचुअली बेनिफिट करेगी। सो ये नेगोशिएशंस की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे सुजलॉन को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। जी सर आपने एक बहुत